and welcome to my channel learning is never ending please like subscribe and share to my channel so dear kids today we are going to start with add sound words so before we will start let me introduce you my learning machine sound learning machine so whenever you find this dot you have to pronounce the sound loudly जब भी ये डॉट आएगा तब आपने उस पर्टिकुलर वर्ड की अल्फाबेट uh, की साउंड जोर से बोलने हैं तो हम एड साउंड शुरू करेंगे सो बिफोर वी विल स्टार्ट दैट एवरी चाइल्ड मस्ट नो ऑल द साउंड्स वेरी केयरफुली जैसे ए की साउंड ए, और ए बी की साउंड ब, ब, सी की साउंड डी क, क, की साउंड ड, ड जब तक आपको हर एक अल्फाबेट की साउंड क्लियर नहीं होगी तब तक हमारे लिए ये सीवीसी वर्ड्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा तो पहले हम इसकी साउंड सीखेंगे सो so, जैसे हमें पता है ए की साउंड है ए, ए। टी की साउंड है छ ओके सो लेट स्टार्ट पहले हम इन दोनों को अलग अलग बोलेंगे और उसके बाद हम उसे एक साउंड में कन्वर्ट करेंगे सो so, जैसे एट एट ओके सो द साउंड इज ए एट शुरू शुरू में बच्चों को हम हर सीवीसी लेटर सीवीसी मतलब कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट ठीक है तो ये जो सीवीसी वर्ड्स हैं जब भी हम सिखाएंगे तो शुरू में हम बच्चे को हर एक लेटर की साउंड अलग करके सिखाएंगे लेकिन जैसे जैसे बच्चों को प्रैक्टिस हो जाएगी वैसे वैसे हम ये जो एक ये जो ए टी है इसको एड करके बोलेंगे सो लेट इटार्ट विदिपल मैथड फ्रॉड फॉर द बिगनर्स स्टार्ट करेंगे खैट ट ये हमारी मशीन है डिवाइस है गैजेट है डोरेमोन के गैजेट के जैसे तो जब भी ये रेड डॉट आएगा तब आपने उस वर्ड की उस एल्फा बेड की साउंड निकाल ली है ख एट ब एट एठ रैट ए छठ ए mat, mat, m a a t, t, fat, t, fat, p a t, pat. ओके पहले आप एक एक, एक अल्फाबेट की साउंड निकाल के करना शुरू करेंगे और धीरे धीरे जब बच्चों को ए और टी मिक्स करना जब बच्चों को आ जाएगा लेटर्स को तब हम उन्हें इन दो की साउंड को क्या करेंगे जोड़ के बढ़ना सिखा देंगे सो लेट स्टार्ट लाइक दिस अब हमने बेटा हमने जब ए और टी को देखना है तो हमने इकट्ठी ए की आवाज निकालनी है एट 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 जब भी आप ए और टी देखेंगे तब आपने एट बोलना है ओके एट एट खैट मेरे साथ बोलिए वेरी गुड बुह एट बैट बुह एट बैट से वेरी गुड एट रैट बोलिए वेरी गुड एट मैट एट मैट at fat at fat at फैट at pat बच्चों को हर बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी अपने अपने तरीके की होती है अगर बच्चा जल्दी सीखता है तो कोशिश कीजिए उनको ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स दीजिए और अगर बच्चे की कैपेसिटी थोड़ा वो स्लो ब्लूमर है धीरे सीखता है तो एटलीस्ट उसको छह वर्ड्स जो है हर एक वोवल साउंड के साथ सीवीसी वर्ड के आना चाहिए ठीक है पिक्चर के साथ जब हम उन्हें पिक्चर दे, दे देंगे तो उन्हें एक आइडिया भी हो जाएगा कि यस ये साउंड है आप कभी भी बच्चे को सीएटी कैट करके नहीं पढ़ाएंगे जब बच्चा एक बार ऐसे पढ़ना सीख जाए किसी भी बच्चे के लिए जब सीवीसी वर्ड्स हम स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली ये हम लोग एल के जी या यूकेजी में स्टार्ट करते हैं तो स्टडीज को इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए एटलीस्ट बच्चे को विद पिक्चर्स एटलीस्ट लेटर्स तो छ वर्ड्स तो आने चाहिए है ना कैट पैट रैट मैट फैट पैट इनकी मीनिंग के साथ पैट होता है किसी को शाबाशी देना पीठ के ऊपर थपथपाने को कहते हैं पैट ओके सो अब हम देखेंगे जो बच्चे और ज्यादा सीखना चाहते हैं या जो पेरेंट्स और ज्यादा उन लोगों के डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं ड्यूरिंग लाइक पढ़ाई को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो ऐसा मेरे पास एक है इसे हम सीवीसी व्हील कहते हैं ठीक है सीवीसी व्हील सो हेयर इट इज ए साउंड रिलेटेड ऑल द वर्ड्स आर ऑल द सीवी वर्ड्स आर देयर एंड इसमें मैंने क्या किया है अगर आपका बच्चा कर्सिव समझता है तो आप एक बड़ा सर्कल लेंगे जिसमें आप सारे कॉन्सोनेंट्स लिखेंगे सारे कॉन्सोनेंट्स लिखेंगे यहां मैंने कर्सिव में लिखा है यहां मैंने प्रिंट लेटर्स में लिखा है ये हर एक स्कूल का अपना अपना तरीका होता है पढ़ाने का कुछ लोग कर्सिव में पढ़ाते हैं कुछ प्रिंट लेटर्स में पढ़ाते हैं सो so, और एक और हम शीट लेंगे उसमें भी सेम आप ए साउंड से रिलेटेड एट एप एम एन एग और यहां आप प्रिंट लेटर्स में ले सकते हैं तो आज का हमारा जैसे लेटर है एट आपको ये सिर्फ एक ही बार बनाना है ए साउंड के लिए आपको एक ही बार बनाना है ये व्हील सो लेट स्टार्ट विथ दिस अब जरूरी नहीं है आपको हर वर्ड का मीनिंग आता हो लेकिन अगर आप अपनी रीडिंग को एनहेंस करना चाहते हैं तो आपने ऐसे व्हील बना लेना जिससे बच्चे और ज्यादा इंटरेस्ट ले सके पढ़ने में उन्हें मजा आए ठीक है जैसे अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे बैट बैट अगर हम जोड़ के पढ़ रहे हैं तो एट घट दैट एट फैट दैट एट हैट एट जैट इस तरीके से चाहे किसी चीज का मीनिंग बन रहा है नहीं बन रहा है जस्ट टू मेक देयर रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मोर इंटरेस्टिंग हम इस तरह का सी वी सी व्हील बना सकते हैं इसी तरह का मेरे पास एक और है आ, ऐसे आप एक शीट लेंगे ठीक है जैसे हमें पता हमने बच्चों को कैट हैट फैट और मैट बताया है तो एक शीट पे आप ऐट लिख लेंगे और नेक्स्ट पे रहेगा आपके सारे के सारे वर्ड्स तो जैसे बच्चों को आप जितनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज से सिखाओगे उतनी जल्दी बच्चा सीखने की कोशिश करता है उसको मजा आता है एक ही चीज है पर अलग अलग तरीके से सिखाई जाए तो बच्चा इंटरेस्ट लेता है सो एट हेट एट हैट एट फैट एट मैट बुह एट बैट एट रैट इस तरीके से हम अलग अलग टीचिंग लर्निंग मटीरियल बना सकते हैं बच्चों के लिए इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं आता और कलरफुल भी होता है तो बच्चा बड़े आराम से सीख भी जाता है आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अब मिलेंगे नेक्स्ट टाइम सो डोन्ट फोरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज थैंक यू बाय बाय